भोले बाबा का तो कुछ ऐसा है कि उनसे दानव तो डरते ही थे, देवता भी बहुत डरते थे। बाकी सब भरोसे के थे, ब्रह्मा विष्णु। कोई महल में रह रहा है, कोई राजा कहला रहा है, कोई अति ज्ञानी है, वेद लेके घूम रहा है। और इनका क्या है भोले बाबा का, नंग धड़ंग विराजे हुए हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं। और ये सांकेतिक है, इसका मतलब ये नहीं है उन्हें गांजे की लत लगी हुई थी। इसका मतलब है एक खुमारी, एक सुरूर, एक अतींद्रिय होश जिसको सांसारिक दृष्टि बेहोशी बोलेगी, एक ऐसा होश जो तुम्हारी समझ में, तुम्हारी पकड़ में नहीं आना है। तो फिर तुम सांकेतिक तौर पे कहते हो भंग, कि भांग घुटती है वहां। तो वहां भांग नहीं घुटती, तुम भांग ही हो, तुम भांग पैदा हुए हो, पर तुम इस भंगई को कहते हो होश। और फिर इसकी तुलना में, इसको केंद्र बना करके जब तुम भोले बाबा को देखते हो, तुम्हें लगता है कि वहां जरा बेहोशी है, क्योंकि कुछ हिसाब ही नहीं पता चलता कि कर क्या रहे हैं।